हे गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को ऐड कर सकते हैं या फिर रिमूव कर सकते हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन पे प्रेस कर देना। और फ्रेंड्स, जिन लोगों को पता है तो कोई बात नहीं, जिन लोगों को नहीं पता है तो वीडियो पर एंड तक बने रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें विंडोज़ बटन पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये हमारा लोकल अकाउंट है, ठीक है, जो कि राहुल नेम से है, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को ऐड करने के लिए हमें अपनी सेटिंग में चलना होगा। अपनी सेटिंग को ओपन कर लेंगे एंड यहाँ पे देख पाएंगे अकाउंट, अकाउंट पर क्लिक करेंगे एंड योर इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं योर इन्फो एंड ये देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, ये लोकल अकाउंट ऐड है अभी हमारे विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। तो अब हम इसमें माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को ऐड करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को ऐड कैसे करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन इन विद ए माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, ठीक है, यहाँ पे नीचे के साइड। एंड इस पर हमें क्लिक करना है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे हो सकता है नेट आपका वीक हो या फिर, ठीक है, उतना भी नहीं करना पड़ेगा बट थोड़ा सा ही। एंड उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी जो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट आईडी है वो यहाँ पे टाइप कर लें, ठीक है। मैं अपनी टाइप कर रहा हूँ, आप अपनी टाइप कर लेना, @outlook.com, ठीक है। अगर आपने मेल से वेरीफाई किया है तो भी डाल सकते हैं, मेरा आउटलुक है। एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें एंड यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड टाइप कर लेना है, जो भी आपका पासवर्ड है, मैं अपना टाइप कर लेता हूँ। एंड साइन इन पे क्लिक करें। यहाँ पर फ्रेंड्स, आपको जो भी लास्ट टाइम आपने अपनी विंडोज़ में पासवर्ड डाला होगा उसको डालना है, ठीक है। जो भी लॉगिन पिन होता है वो यहाँ पे टाइप करना है, तो मैं टाइप कर लेता हूँ एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लेफ्ट साइड कॉर्नर में आपको दिख रहा है, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट हमारा ऐड हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से फ्रेंड्स, आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को ऐड कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। और फ्रेंड्स, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को रिमूव करना चाहते हैं तो वो मैं आपको बताता हूँ। साइन इन विद ए लोकल अकाउंट, ठीक है, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, जैसे ही अपना लोकल अकाउंट स्विच करेंगे तो आपका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट रिमूव हो जाएगा। जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपने अपना पिन टाइप कर लेना है, ठीक है। तो मैंने अपना पिन टाइप कर लिया एंड उसके बाद आपको यूज़र नेम देना है, तो मैं यूज़र नेम में अपना राहुल पढ़ाने देता हूँ। एंड यहाँ पर आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर लें एंड पासवर्ड हैंड टाइप कर सकते हैं नीचे वाले ऑप्शन में यहाँ पे, तो लाइक इसमें आपको पता चल सके कि आपका पासवर्ड क्या है, ठीक है, इसलिए। एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें एंड साइन आउट एंड फिनिश, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है वो रिमूव हो जाएगा और ये जो लोकल हमने अकाउंट बनाया हुआ है, ठीक है, यूज़र अकाउंट, ये फ्रेंड्स आप में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आपका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट इस तरह से रिमूव हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी, वीडियो यूज़फुल लगी तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।